कब मर जाए, बीमार रहता है हर समय। अगर तुम अपने बेटे की सकुशलता चाहते हो, अगर बेटे की वाणी को लाना चाहते हो, अगर तुम अपने बेटे को ठीक ठाक रखना चाहते हो, तो माधव बाबा बड़े चमत्कारी महात्मा हैं। वो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, तुम उनके पास जाओ। कड़ाह कहाँ गए ये भी रहस्य खुल जाएगा। एक कड़ाह से इतने बरातियों का उदर पूर्ति कैसे होगी, ये रहस्य भी खुल जाएगा। और तुम्हारा गूंगा बेटा बोलने भी लग जाएगा, उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। जाओ मेरे गुरु जी का चमत्कार देखो, ये सब मेरे गुरु का खेल था। पूरा एड्रेस खेमदास ने दे दिया अपने उस बेटे को लेकर जो गूंगा था, जो रोगी था। आजकल में जिसको मरना था, ऐसी जिसकी अंतिम स्थिति थी, उसको बैलगाड़ी में लेकर के कैसी भी कोडम देसर पहुंचे, जो एड्रेस खेमदास ने बताया वहां पहुंचे। माधवदास के चरणों में प्रणाम किया, देखा माधवदास की धुनी के बगल में लोहे का कड़ाह। ये तो हमारा कड़ाह लग रहा है। फिर पास जाके देखा, सेठ ने अपना नाम पढ़ लिया जो लोहे के ऊपर, उसका नाम खुदा था। नाम पढ़ लिया, पहचान लिया, तो हमारा यहां कैसे आ गया। तब खेमदास ने प्रगटो के कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बात थी, संतों के भोजन के लिए मैं ही लाया था, मैं भैरवनाथ हूं, गुरुदेव ने मुझको अपने बस में कर लिया और मेरे ऊपर कृपा की, मुझको वैष्णव बनाया और मैं ही कड़ाही को लाया था। सारी बात बता दी और आपका एक कड़ाही में इतनी यात्रा, भक्त उसका बरातियों का जो उदर पूर्ति हो गई, उसका कारण है ये जो धुनी जग रही है मेरे गुरुदेव भगवान की, इसकी भूत का वो सब चमत्कार था। चरणों में गिर गए माधव बाबा के, बाबा कृपा करो, आपने बड़ी कृपा की, जो मेरे घर का अन्न संतों की सेवाओं में लगा है, आपने बड़ी कृपा की, जो थोड़े से हलवे से इतने बरातियों उधर पूर्ति हो गई, अब एक कृपा और करो। आपके परम कृपा पात्र शिष्य खेमदास ने मुझको बताया, जो भैरवनाथ हैं साक्षात, उन्होंने मुझको बताया मेरे बेटे को आप ठीक कर दो, ये बोलना सीख जाए, इसका रोग ठीक हो जाए। माधव बाबा ने उस समय भस्म ली धुनी से, माथे पे तिलक लगाया, मुंह खोला, थोड़ी भस्म उनके मुंह में दी और कहा कि बेटा बोलो सीताराम। उस समय उसने बोला सीताराम, हैरान हो गए कि बेटा बोलने लग गया, रोग भी ठीक हो गया। इतने प्रसन्न हुए, कहा गुरुदेव भगवान अभी मैं अपना बेटा आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं, अगर आपकी शरण में ना आता आजकल मैं चला ही जाता। आपने इसको जीवन दान दिया है, इसलिए मैं अपने बेटे को आपकी अर्पण कर रहा हूं, और इसको नहीं, आज से मैं भी सदा के लिए आपके चरणों में। एक मेरी बेटी, उसका विवाह हो गया, बस अब मैं सदा के लिए आपकी सेवाओं में। अब मेरे बेटे को भी वैष्णव दीक्षा दे करके इसका भी उद्धार कर दो। तब उसको वैष्णवी दीक्षा दी, उसको संन्यास दीक्षा दे दी, उसको भेष दे दिया और उसका नाम हो गया सुंदरदास। उसके गूंगे बेटे का अब तो बोलने लगा, नाम हो गया सुंदरदास। माधव दास जी महाराज जीवन भर वहीं रहे, वहीं पर उन्होंने अपने देह का त्याग किया। माधव दास ने जो सीताराम जी का मंदिर बनवाया, आज भी बीकानेर से 7 कोस की दूरी पर कोडम देसर में वो सीताराम जी का मंदिर आज भी माधव दास बाबा का बनवाया वहां पर है। और जो धुनी उनके जमाने की थी, जिस धुनी को उन्होंने चिताया था माधव बाबा ने, आज भी माधव दास जी की धुनी आज भी जो कि तो सुरक्षित है। लोग वहां धुनी की मन्नते मानते हैं, आज भी हमारा अमुक कार्य पूरा हो जाए, हमारे अमुक दुख का निवारण हो जाए, हमारे घर में अमुक सुख आ जाए, मन्नते लोग धुनी की मानते हैं। वहां से भस्म ले जाते हैं, घर में बच्चों को लगाते हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं। आज भी उनकी धुनी का ये चमत्कार। और जो कड़ा हलवे का था, आज भी वो कड़ा वहां पर रखा हुआ है। सम्मत 1600 के प्रारंभ का ये चरित्र है। 350 साल पुराना वो लोहे का कड़ाव आज भी यहां पर रखा हुआ है। लोग दर्शन करते हैं,
भैरवनाथ खेमदास जिस कड़ाव को लाए थे आज भी यहाँ पर रखा हुआ है, उनकी धुनी आज भी वहाँ जल रही है, उनकी वहाँ पर पवित्र समाधि है और इनके द्वारा बनाया हुआ सीताराम जी का मंदिर, ये चार निशानियाँ आज भी कोई जाकर के दर्शन कर सकता है। नव भक्तमाल में सब लिखा हुआ है। मने जो मैं कथा सुना रहा हूँ ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है और ना ये अधिक पुरानी कथा, इनकी खड़ावें अब तक हैं, इनके द्वारा मंदिर बनाया हुआ वो लोहे का कड़ाव, इनकी धुनी अब तक विराजमान है। इस चरित्र से आप लोग शिक्षा ग्रहण करो। इस गद्दी पर माधवदास जी की गद्दी पर माधवदास जी के श्री छोड़ने के बाद, लीला में प्रवेश करने के बाद यही सुंदर दास जी गद्दी में बैठे, इन्हीं की परंपरा गुरु गद्दी आज तक कोरमदेश्वर में चल रही है। इस गद्दी के बहुत से सेवक वहां पर मिलेंगे आप। इतना बड़ा चमत्कार जीवन में, इतना बड़ा परिवर्तन, कारण क्या था? दो बातें, सत्संग और नाम जप, बस। इसलिए मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं, सत्संग अवश्य सुने, संतों का संग अवश्य करें। जब तक जिंदगी में संत नहीं आएंगे, तुम भले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे तुम लाख अच्छे अच्छे कर्म करते हो, स्वर्ग तो जा सकते हो, यहां तक कि देवता भी बन सकते हो शुभ कर्मों के प्रणाम स्वरूप, लेकिन जन मन से छुटकारा नहीं हो सकता। कब तक? जब तक संत शरण नहीं आओगे। संत की चरणी जे पड़े सो नर उधरण हार, संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की शरण में पड़ेंगे उनका ही उद्धार होगा, उनका ही सुधार होगा। बिना संतों के तुम शुभ कर्म तो कर सकते हो, पुण्य कर्म तो कर सकते हो, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। गुरु बिन भव निधि तर ही ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु कृपा के, बिना संत कृपा के जीव का निस्तार नहीं, जीव का उद्धार नहीं। इसलिए भगवान राम बिलनी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा पर संगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुनगन कर ही कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये नौ की नौ प्रकार की भक्ति ये कब दिल में आएगी, कब हृदय में उतरेगी? का जब संतों का संग करेंगे। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, श्रद्धा पूर्व संतों का संग करोगे। अगर संग श्रद्धा भी नहीं तो बिना श्रद्धा के संग करो, श्रद्धा भी आ जाएगी। संग करोगे रंग चढ़ेगा, ऐसा नाम जपो मन रंगी, नानक पाइए साधु की संगी। तो संतों का संग माधव दास ने किया था, कहां तो डाकू था, लुटेरा था, हत्यारा था, चोर था, बदमाश था, लुच्चा लफंगा था, लेकिन जिंदगी में संत का पदार्पण हुआ। एक दिन के सत्संग ने उसके जीवन को बदल दिया। इसलिए कहा, एक घड़ी आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इतने बड़े महापापी दुराचारी हत्यारे माधव सिंह, संतों का संग किया, अनजान पने में संग किया, वो तो हत्या करने के लिए आ रहा था, वो तो लूटने के लिए आ रहा था, लेकिन संतों का संग हुआ, प्रणाम सत्संग मिला, संतों का प्यार मिला, संतों का दुलार मिला। संतों के प्यार ने, दुलार ने, उनकी कृपा ने उनके जीवन का अध्याय ही बदल दिया। डाकू से साधु हो गए। 12 साल तक जो धैर्यपूर्वक भजन करते रहे, ये संत कृपा का हाथ था। अगर संत कृपा का हाथ शीश पर ना हो, 2-4 दिन में ही भजन छूट जाता है, क्योंकि रस इतनी जल्दी भजन में नहीं आता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रस आता है, और जब तक रस आता है तब तक धैर्य छूट जाता है, भजन छूट जाता है। अगर संतों की छत्र छाया होगी, संतों का आशीर्वाद सर पे होगा, धैर्य नहीं टूटेगा। 12 साल ही नहीं, चाहे 12 जन्म तक भगवान न मिले, अगर संतों ने कस के पकड़ रखा है, जहां भी जाओगे भजन करते रहोगे और अंत में भगवान को प्राप्त कर लोगे।
इसलिए संतों के प्रति बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कथा कल होगी, अब सब आरती करें। आरती गाओ भक्त माल की, सुन सुन जय हो जय हो, सुन सुन हृदय बसाओ भक्तो, कर भक्ति सुख पाओ भक्तो। आरती गाओ भक्त माल की, सुन सुन हृदय बसाओ भक्तो, कर भक्ति सुख पाओ भक्तो। भक्ति सुख पाओ भक्तो। भक्ति सुख पाओ भक्तो। भक्ति सुख पाओ भक्तो।
कथा सुनावे भक्त और भगवान रिझावे भक्त और भगवान रिझावे जीवन जय जय जीवन सफल बनाओ भक्तो कर भक्ति सुख पाओ भक्तो आरती गाओ भक्त माले की सुन सुन हृदय बसाओ भक्तो कर भक्ति सुख पाओ भक्तो आरती गाओ भक्त माले की सुन सुन हृदय बसाओ भक्तो कर भक्ति सुख पाओ भक्तो आरती गाओ भक्त माले की सुने सुने दे बसाओ भक्तो कर भक्ति सुख पाओ भक्तो कर भक्ति सुख पाओ भक्तो कर भक्ति सुख पाओ भक्तो वृंदावन बिहारी श्री सद्गुरुदेव भगवान की भक्त और उनके भगवान गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोल कुंज महल सरकार की जय गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण